हेलो एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर फॉर करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज एंड ट्वेंटी टू एम सी क्यूज के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पी डी एफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, में है कॉम्बो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में यू पी एस सी ई पी एफ ओ कोड है फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे एज पर द फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो एन ने रिलीज किया था ये फेबर 2023 में अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने पांच साल के लो पर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो पर है बेरोजगारी का जो रेट है वो कम हुआ है बेसिकली तो अच्छी खबर है तो क्या परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एज so, पर दिस पर्टिकुलर सर्वे सो अनएम्प्लॉयमेंट था दोस्तों यहाँ पर फोर पॉइंट वन परसेंट फोर पॉइंट वन परसेंट एंड अगर हम बात करें तो इससे पहले की अगर हम बात देखें सो दैट वॉज फोर पॉइंट टू परसेंट और अब फोर पॉइंट वन है तो रिडक्शन हुआ है पैन इंडिया अगर हम बात करें तो मेल्स के अंदर जो अनुप्लॉयमेंट रेट है कंपैरेटिव टू वुमेन वो ज्यादा है फॉर पैन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल वाज फोर पॉइंट फोर परसेंट एंड फॉर फीमेल इट वाज थ्री पॉइंट थ्री रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें तो दोनों के अंदर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है सो अर्बन रूरल एरियाज के लिए इट इज थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री से कम हो करके एंड अर्बन एरियाज के लिए सिक्स पॉइंट थ्री हो गया सिक्स पॉइंट सेवन से कम हो करके। लेकिन एक पॉइंट इसके अंदर ये भी याद रखना है कि रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेरेटिव टू अर्बन एरियाज कम है तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट की भी अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट था एटीन नाइनटीन में विच इज नाइव टू परसेंट वर्कर टू पॉपुलेशन रेट जो है वो फिफ्टी टू पॉइंट नाइन परसेंट है डेमोग्राफिक अच्छा डिविडेंड यूटिलाइज हो रहा है अच्छे से वो हाईलाइट करता है ये सेकेंड क्वेश्चन छत्रपति संभाजी नगर किस सिटी को रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया था और अब कर दिया गया छत्रपति सांभाजी नगर है वो जगह दैट इज़ योर ऑप्शन है औरंगाबाद औरंगाबाद पहले जो था अब वो छत्रपति सांभाजी नगर बन गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हिंदुस्तानी जो प्रेसिडेंट बने हैं फीबा के फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केट ओके एशिया सो द नेम इज़ ऑप्शन सी गोविंद राज केम्पर क्वेश्चन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सर्वदेवा सर्व दवा सेवन आ, बेसिकली मार्क्स इस मार्स इसके अंदर ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाएंगे टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरसिस जो एलिफेंटाइसिस की प्रॉब्लम है सो सर्व दवा सेवन एक तो ये भी याद रखना है कौन से डिजीज़ के एलिमिनेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है और कब तक लॉन्च इसको बेसिकली हमने एलिमिनेट करना है दो ग्लोबल टारगेट दो है कौन सी क्रिकेट टीम ने अपना एर्थ एडिशन जीता है आईसीसी वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का जो 2023 में अभी फाइनल उसका खेला गया था आठवीं बार वो जीते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को हराया है ठीक है और बेसिकली ये एर्थ एडिशन था आठवीं बार नहीं सॉरी एर्थ एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था उनकी विक्ट्री है और तीसरी बार कॉन्सिकेटिवली जीते हैं मतलब आठ एडिशन हो चुके हैं में से बार ये टीम वर्ल्ड कप को जीत चुकी है एंड दैट इज योर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन मार्ग पोर्टल से रिलेटेड है पहला स्टेटमेंट नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बाय स्टार्टअप इंडिया टू स्टैब्लिश एंड गाइड न्यू स्टार्टअप्स ग्रो एंड फ्लरिश नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये स्टार्टअप्स के लिए दूसरा कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसको ऑपरेशनलाइज करता है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर करेक्ट है आपकी दोनों स्टेटमेंट सो मार्ग जो ये आपका पोर्टल है मेंटरशिप एडवाइजरी एसिस्टेंस रिजिलियंस एंड ग्रोथ स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस और हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल है ठीक है जी और इस पोर्टल को इस्टेब्लिश भी इसीलिए किया गया था ताकि जो मेंटर्स हैं उनको स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जा सके ताकि एडिक्यूट मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा सके और इसको डीपीआईआईटी जो है ऑपरेट करता, करता है ऑपरेशनलाइज करता है सेवेंथ क्वेश्चन नई चेतना पहला बदलाव की कैंपेन नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन से रिलेटेड स्टेटमेंट है पहले लिखता है कि इस कैंपेन की थीम है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दूसरा कहता है नारी चेतना केंद्राज इस्टेब्लिश इन अंडर दिस प्रोग्राम विल वर्क विद वन स्टॉप सेंटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगेन दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं तो ये जो कैंपेन है जिसका थीम है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वॉयलेंस इसको एज अ पीपल्स मूवमेंट रन किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर एंड इसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर उनके साथ और वन स्टॉप सेंटर्स के साथ मिल करके ये काम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऊपर क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, है। दूसरा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए तीसरा कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है तो आंसर यहाँ पर आपका सी है तो मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू हो रहा है फर्स्ट जनवरी 2017 से सेवन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन uh, को उनके अकाउंट में ताकि अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को वो फुलफ़िल कर सकें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि uh, जो पुअर uh, सेक्शन है वहाँ पर अगर वुमेन इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी तो वेज लॉस है तो वो वेज लॉस की वजह से न्यूट्रिशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए तो जो बेनिफिशरीज़ हैं इस स्कीम के अंदर ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एक्सक्लूडिंग दोज हु आर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रही हैं या ऐसी महिलाएं जिनको सिमिलर बेनिफिट्स किसी और कानून या किसी और स्कीम के अंदर मिल रहे हैं वो एक्सक्लूडेड हैं इसीलिए आपका स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हुआ था वहाँ पर सबको रखा गया था ऑल बोला गया था ना बट एक्सक्लूजनस हैं इसके अंदर भी और इस पर्टिकुलर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है इट इज मेजर्ड और इसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक किया जाता है थ्रू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कैश बोलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ नेशनल प्रोटीन डे जिसको ट्वेंटी सेवन दो हजार तेईस को ऑब्जर्व किया गया था इंपॉर्टेंट डे है तो डेट याद रखिएगा ऑप्शन होगा इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल ओके सो फोर्थ नेशनल प्रोटीन डे था ये एंड पब्लिक अवेयरनेस फॉर प्रोटीन रिच डाइट एंड ये बेसिकली डे जो है शुरू में राइट टू प्रोटीन करके uh, एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको शुरू किया था और पहली बार 2020 में इसको सेलिब्रेट किया गया था चलिए टेंथ क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट पोर्ट है दैट इज वाधवान पोर्ट जिसको लैंड मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है सेकेंड है कि कमराजर पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन है सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हिसाब से देखो नाइन्टी फाइव परसेंट इंडिया का जो ट्रेड है वॉल्यूम से और सिक्सटी एट परसेंट वैल्यू से वो मेरी टाइम के थ्रू होता है जिसमें से तेरह मेजर पोर्ट्स इसको सर्विस करते हैं बारह सरकारी हैं एक प्राइवेट है वाधवन पोर्ट जो है ये तेरवा मेजर पोर्ट है इंडिया का एंड इसको लैंड मॉडल के ऊपर डेवलप किया जा रहा है तो

इलेवेंथ क्वेश्चन भारत सरकार ने अभी रिसेंटली दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो एक टू एट एट जीरो मेगावाट का प्रोजेक्ट है वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस एरिया का ये कौन सी स्टेट के अंदर अप्रूव किया है ये अरुणाचल के अंदर अप्रूव हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने के काफी हाई चांसेज हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है Deakin, जो इंडिया के अंदर पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस सेट करेगी और ये सेट होगा गिफ्ट सिटी के अंदर जो आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है गांधीनगर गुजरात में सो so, ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ऊपर है तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका नाम ये काफी प्रॉबेबल क्वेश्चन है कि पेपर में आएगा पहले स्टेटमेंट है कि इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे दूसरा क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स जो है वो ये अवार्ड देती है और तीसरा स्टेटमेंट है कि पहली बार ये अवार्ड जिसको मिला था उनका नाम है विश्वनाथन आनंद कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है दूसरा भी करेक्ट है तीसरा भी करेक्ट है आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी तो खेल रत्न को अभी 2021 में ही भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको बोलते थे पहले अब इन्होंने मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसको कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसको देती है और ये उनको दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स ठीक है पिछले चार साल की परफॉर्मेंस कंसिडर की जाती है साढ़े लाख रुपये का कैश होता है और एक मेडल होता है और खेल रत्न अवार्ड जो है सबसे पहले नाइनटीन नाइन्टी में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और विश्वनाथन आनंद इसके पहले विजेता थे फोर्टीन क्वेश्चन अर्जेंटीना के फुटबॉलर कौन है जिनको बेस्ट फीफा में प्लेयर अवार्ड मिला है और वुमेन में एलेक्सिया प्युलस को मिला है ये कौन सी कंट्री की फीफा वुमेन प्लेयर है तो अर्जेंटीना के जिन प्लेयर को मिला है हिज नेम इज लियोनल लियोन मेसी और जो आपकी एलेक्सिया प्युटेलस हैं ये स्पेन की हैं इतना याद रखिएगा बाकी और भी बहुत सारे अवार्ड्स अनाउंस हुए थे फुटबॉल में बट अपने लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जी एस टी काउंसिल्स रिवाइज जी एस टी रेट ऑन पेंसिल लिक्विड जेगरी एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट्स ओके तो अभी फेबररी में कुछ रिविजन हुए थे पहला स्टेटमेंट है पहला ऑप्शन है कि काउंसिल ने एग्री किया है जी एस टी रिड्यूस करने का पेंसिल शार्पनर्स पे अट्ठारह परसेंट लगता था पहले बारह परसेंट लगेगा दूसरा कह रहा है लिक्विड जैगरी के ऊपर अट्ठारह परसेंट से ज़ीरो कर दिया गया है अगर सॉलिड में बेस में उसको सेल करा जा रहा है और पाँच परसेंट जी एस टी लगेगा अगर उसको प्री पैकेज या लेबल्ड फॉर्म में सेल किया जा रहा है उसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एक्जैम्शन को एक्सटेंड किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स के ऊपर बोर्ड और बॉडीज सेटअप बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है पेंसिल शार्पनर्स के ऊपर जीएसटी कम कर दी है लिक्विड जैगरी के ऊपर पहले अट्ठारह परसेंट जीएसटी था अब जीरो लगेगा अगर सॉलिड फॉर्म में जैगरी को गुड को बेचा जा रहा है तो पाँच परसेंट लगेगा अगर उस पर बेसिकली पैकेजिंग करके उसको बेचा जा रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है ना जैसे नीट नेट ये सब के ऊपर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा एग्जामेशन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कौनसी स्टेट के अंदर एयरफोर्स माउंटेन्स रडार की इंस्टॉलेशन को अप्रूव किया है लद्दाख लद्दाख यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट ओलंपिक पोडियम गेम में इनमें से कौन सी गेम हाई प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आती है तो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी स्विमिंग तो बेसिकली टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में फार्मूलेट की गई थी इस बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड इसको फंड करता है और इसका एम था कि uh, इंडिया के अंदर मेडल प्रोस्पेक्ट्स ताकि ओलंपिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते जाएँ तो मेडल प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए टैलेंट को ग्रूम किया जाए और तैयार किया जाए ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के लिए हाई प्रायोरिटी कैटेगरी स्कीम के अंडर क्रिएट की गई थी तो ये बेसिकली उन स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करने का था जहाँ पर इंडिया के ओलंपिक्स के मेडल जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो नौ स्पोर्ट्स प्रेजेंटली इस कैटेगरी में रखे गए हैं जिसमें एथलेटिक्स बैडमिंटन हॉकी शूटिंग टेनिस वेट लिफ्टिंग रेस्लिंग आर्चरी और बॉक्सिंग आती है एटींथ क्वेश्चन गैस लाइटिंग इनमें से क्या टर्म है रिसेंटली न्यूज में यूज की जा की गई थी एक मूवी भी आई थी हॉट स्टार के ऊपर सारा अली खान की गैस लाइट वो बेसिकली मूवी का टाइटल इसी कंसेप्ट में से लिया गया तो गैस लाइटिंग क्या होता है बेसिकली इट इज अ फिनोमिनल जिसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे की साइकोलॉजिकल मैन्युपुलेशन करता है ठीक है और इतनी ज्यादा मैन्युपुलेशन हो जाती है कि वो आदमी अपने खुद के डिसीजन पे तो हमेशा डाउट करेगा वो हमेशा दूसरे बंदे को ढूंढेगा कि यार मैं इससे सलाह ले लूँ और तभी मैं डिसीजन लूँ नाइनटींथ क्वेश्चन ऑपरेशन गेयर बॉक्स पहला स्टेटमेंट कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है हिडन ड्रग्स को ढूंढने के लिए दूसरा इनिशिएटिव सेफ्टी व्हीकल्स में इंकरेज करने के लिए तीसरा फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चौथा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ऑप्शन बड़े बेकार से हैं ये क्यों क्योंकि ये चारों चीजें अलग अलग हैं तो ये चारों चीजें अलग अलग हैं तो ये ऑपरेशन बॉक्स में चारों चीजें एक साथ नहीं आएंगी एक के अंदर सेफ्टी की बात हो रही है एक के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है एक के अंदर हिडन ड्रग्स की बात हो रही है एक के अंदर एंटरप्राइज चारों अलग अलग, अलग एरियाज हैं तो यहीं से मैं मेरे को अगर एज अ स्टूडेंट मैं तुक्का लगाता ना मैं बड़ा बिंदास इसका आंसर सी लगाया था क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए की स्टेटमेंट वन ओनली है बाकी सब में क्योंकि आपस में तो इनकी तुकबंदी बैठेगी ही नहीं तो अल्टीमेटली आंसर भी यहाँ पर देखो आपका सी है ओके तो ऑपरेशन गियर बॉक्स हिडन ड्रग्स लोग जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना तो एजेंसीज को पता चला कि उन पुरानी गाड़ी के बॉक्स में लोग ड्रग्स को छुपा करके बेच रहे हैं ठीक है तो इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है वो शुरू किया गया नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से रिलेटेड स्टेटमेंट महात्मा गांधी के बर्थडे पे ऑब्जर्व किया जाता है दूसरा थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग है महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर सेकेंड अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है ना कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है आंसर होगा ऑप्शन बी ओके सो यू एन जनरल असेंबली इस डे को ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है सेकेंड अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2007 में हमने बनाना शुरू किया था यूएन ने ताकि नॉन वायलेंस के मैसेज को स्प्रेड किया जा सके और इस साल का थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस क्वेश्चन इनमें से कौन सा क्लाउड सीडिंग एजेंट नहीं है तो लिक्विड नाइट्रोजन क्लाउड सीडिंग एजेंट नहीं होता क्योंकि ये तो कूलिंग एलिमेंट होता है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या था जो थर्ड मार्च को इंपॉर्टेंट डे है तो इसका थीम पता होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आंसर डी है तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थर्ड मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हमेशा थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस साल का स्पेशल था क्योंकि साइट्स जो आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है उसकी फिफ्टीथ एनिवर्सरी थी मैं आपको साइट्स की डिटेल वन ऑफ द लेक्चर्स में करा चुका हूँ ऑलरेडी तो अच्छे से कर देना क्योंकि फिफ्टियथ एनिवर्सरी थी पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दो में सेलिब्रेट किया गया था सो दिस इज इट गाइस आई होप यू वाइज इंजॉयड इट एंड डू टेल मी हाउ यू लाइक